आज की जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। कोई भी ओकेजन हो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हमने चार आलू लिए हैं। आलू जो है वो बड़े हैं और इनको जो है हमें छीलना है, लेकिन छीलने से पहले हमें इन्हें हर तरफ से थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करना है, क्योंकि आलू जो है वो एक साइज़ के नहीं होते हैं और ना ही वो इवन होते हैं। कहीं से ज़्यादा निकले हुए होते हैं, कहीं से कम होते हैं, कहीं से दबे हुए होते हैं, तो इसलिए हमें इनको पहले हर तरफ से ना चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा करके ट्रिम कर लेना है। ये जो आलू हैं ये वेस्ट नहीं होंगे, इनको आपने रख देना है, बाद में इनको छील करके उसको थोड़ा उबाल लीजिएगा और उसके बाद में उसको हम पराठे में यूज़ कर लेंगे। अभी यहाँ से भी आलू को हम स्कूप आउट करेंगे तो यहाँ से भी आलू थोड़ा बहुत निकलेंगे। तो अब हमने आलू को छील लिया है फ्रेंड्स, छीलने के बाद भी ये इवन नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर पीलर जो है वो यूज़ करना है। तो पीलर से जो है हम इनको इवन करेंगे, स्क्रैप नहीं करेंगे बल्कि ऊपर से छीलेंगे हल्का हल्का सा, जैसे हम स्किन निकालते हैं ना इस तरीके से। ये देखिए, तो जहाँ पर ज़्यादा उठा हुआ है वहाँ पर आप ज़्यादा छील लीजिए आलूओं को और उसको इवन करने की कोशिश करिए कि हर तरफ से ये इवन हो जाएं। तो ये वाला भी जो है ना उबाल लेना है बिना पानी के, और जो हमने ट्रिम करके निकाला था उसको भी हम क्या करेंगे, छील लेंगे और छील करके बिल्कुल इस तरीके से बारीक बारीक कट करके उबाल करके रख देंगे, सुबह नाश्ते में पराठे बना लेंगे। ये आलू वेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनको वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से आपको इवन कर लेना है, दिख रहा ना एकदम अच्छा। अब यहाँ पर हमें स्कूप करना है, तो एक स्कूपर लिया हमने और इनको यहाँ से ऐसे गोलाई में कट करते हुए अंदर जो है वो हमें जगह बनानी है, कैविटी बनानी है, क्योंकि ये भरवा आलू हम बना रहे हैं वो भी शाही अंदाज़ में। ये देखिए कितना अच्छा निकला, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है क्योंकि इसमें फिलिंग ज़्यादा नहीं आएगी और किनारी भी काफ़ी मोटी है। ये देखिए काफ़ी चौड़ी है, तो इतनी चौड़ी किनारी हमें नहीं चाहिए। हम इस तरीके से किनारों को छीलते हुए अंदर कैविटी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको इन्हें छीलना है कि किनारी भी पतली हो जाए और अंदर जगह अच्छी खासी बन जाए, ताकि जो भी फिलिंग हम अंदर डालें ना वो अच्छी खासी अंदर फिलिंग आए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, किनारी थोड़ा सा कहीं ज़्यादा है पतली और कहीं थोड़ा सा चौड़ी है, बस ऐसे हम उसको इवन कर लेते हैं ताकि सब एक तरह से मतलब एक साइज़ में हो जाए। इसी तरीके से हम सारी जो है वो कट कर लेते हैं और इन आलुओं को हम अभी बॉयल कर लेंगे थोड़े से पानी के साथ में और रख देंगे उनको हम फ्रिज में, सुबह नाश्ते में हम यूज़ कर लेंगे, उसको पराठे बना लेंगे या कचौरी बना लीजिए, जो जी में आए वो बना लीजिए, कटलेट बना लीजिए बच्चों के लिए। आलू छील जाएँ तो इनको पानी में हमने डुबा दिया था, अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे। ये कैविटी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी के अंदर से निकाल करके हमें इनको किसी भी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लेना है। बिल्कुल भी पानी देखिए नहीं है, हमने पोंछ लिया है, तेल हमने रख दिया है गरम होने के लिए। हमें इनको फ्राई करना है, तो पहले जो बेस वाला पार्ट है ना वो हम नीचे रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में भी और गलने में भी। हम इनको आराम से ना स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं। ये देखिए ये अभी लाल नहीं हुआ है, एक दो मिनट और देंगे हम टाइम स्लो फ्लेम पर, उसके बाद फिर हम पलटी करेंगे। तो चलिए दो मिनट हो गया है और ये देखिए अच्छा लाल भी हो गया है और होपफुली कि ये गल भी गए होंगे काफ़ी हद तक। अब हम इनको जो है पलट देते हैं और इनको भी एक से दो मिनट टाइम देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर हम इनको घुमाते रहेंगे। तो ये देखिए हम थोड़ी थोड़ी देर पर ना इनको टर्न कर रहे थे ताकि मतलब ये जल ना जाए, लापरवाही नहीं करना आपको। हाँ, आपको दूसरा काम करना चाहते हो तो इस बीच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा। अब ये देखिए एकदम अच्छा लाल हो गया है और आलू भी गल गया है। मैंने आलू को भी चेक कर लिया है, मतलब एकदम नहीं गला है, लेकिन जो है ये 75-80% तक गल गया है। इनको ठंडा होने देते हैं, हम फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग के लिए यहाँ पर हमने डालना है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, खड़ा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डालेंगे पिंच ऑफ, और यहाँ पर डाल देंगे फाइन चॉप क्या हुआ जिंजर गार्लिक, और हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे फाइन चॉप की हुई एक छोटी सी प्याज, अराउंड 2 टेबल स्पून होगी या 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं है, और 3 से 4 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके ले लिया है। और अब हम इनको अच्छा जो है वो फ्राई कर लेते हैं अच्छा से, मतलब ये नहीं कि इनको एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इनको डार्क पिंक कलर आने तक पकाना है। ये देखिए उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ आलमंड और किशमिश है, ये बड़ा अच्छा नटी फ्लेवर जो है वो हमारी फीलिंग्स को देगा,
थोड़ा सा इनको भी सौते करते हैं और हम डाल देंगे यहाँ पर ग्रीन पी, ये हमारी उबली हुई मटर है हाफ कप। अच्छा 8 से 10 बादाम को मैंने भिगा करके रखा है, उसकी मैं जो है ना प्यूरी करूँगी और उसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है, एक टमाटर को हमने ग्रेट किया है, पीसा नहीं है मिक्सर में, जिस प्लेट में हमने डाला है उसी प्लेट में ही हमने डायरेक्ट ग्रेट कर लिया था। यहाँ पर डाल देते हैं ये कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तीखी मिर्च के लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट हमने इसको भूना है, कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में, इसको ठंडा होने रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मेरे पास में फ्रीज़र में पनीर था, मैंने एक छोटा वाला ब्लॉक लिया है, इसको ग्रेट करते हैं। पूरी पनीर मैं नहीं ग्रेट करूँगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये अराउंड 50 ग्राम है जिसको मैंने ग्रेट किया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं और हरा धनिया भी डालना है। तो चलिए हम फटाफट कट करके हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून डाल देते हैं और अब ये पनीर डाल देंगे। 2 टेबल स्पून पनीर मैंने बचा कर रखा है गार्निशिंग के लिए और इनको हम कर लेते हैं मिक्स। ये मिक्स हो गया है फ्रेंड्स, आलू भी ठंडा हो गया है, तो अब हम आलू के अंदर ये फिलिंग को भर देंगे और अच्छा भरेंगे, मतलब दबा दबा करके भरना है। अब इनको दबाएंगे कैसे, ये स्पून से तो दबने वाले नहीं हैं क्योंकि आलू जो है वो हमारे 75-80% गल चुके हैं तो वो फट जाएंगे, तो हाथों से आपने दबा करके उनको फिलिंग को रखना है, ये वेस्ट नहीं होगा, इसका भी अभी यूज़ होगा। चलिए ग्रेवी के लिए हमें यहाँ पर लेना है दही, दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये दही हमने लिया, उसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च और हल्दी डाल दिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया और इनको मिक्स कर लेते हैं। ये कलर के लिए देगी लाल मिर्च डाला मैंने, यानी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमारी ग्रेवी के लिए एक मिक्सचर रेडी हो गया है। पैन हमारा रेडी है, यहाँ पर हमने ऑयल डाला है अराउंड 1/4 कप, क्योंकि मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास हमेशा रहती है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर ये आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और तेल ऐड करना होगा और एक बड़ी प्याज को लाल करना होगा, ठीक है। तो मैंने खड़े मसाले डाले और ये पहले हम डाल देंगे ग्रेवी। आपके पास में अगर प्याज फ्राई नहीं है तो पहले प्याज फ्राई करिएगा, ब्राउन हो जाएगी, फिर ये मसाले आप ऐड करिएगा, ठीक है जी। तो मसाले ऐड करके हमें इन्हें पेशेंसली जो है वो भून लेना है। तेल ऊपर आ गया है तो जब आ जाएगा, अभी नहीं आया है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा ही आया हुआ है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये ब्राउन प्याज। इसलिए मैंने तेल कम डाला था क्योंकि ब्राउन प्याज जो है ना वो बाद में ऑयल रिलीज़ करती है, तो आप ये देख सकते हैं ऑयल जो है वो इसने सेपरेट कर दिया है, यानी काफ़ी रेडी हो गया है। बादाम की जो हमारी भिगी हुई थी 8-10 बादाम, उसको हमने पीस लिया है और इसको अब हम डाल देंगे हर ग्रेवी में। काजू की पेस्ट, दिल घबरा गया एकदम, यहाँ पर आप बादाम की पेस्ट ऐड करिए, टेस्ट में फ़र्क भी आएगा और बादाम हेल्थ के लिए अच्छा है, काजू से बहुत अच्छा है, काजू के अंदर तो फैट होता है, लेकिन हमारे जितनी भी वेज ग्रेवी जो रिच वाली होती है, मैंने देखा सब में काजू ही काजू जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए हमने नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑयल आप देख रहे हैं सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी पहले भी ये भून चुका था लेकिन बादाम की प्यूरी डालने के बाद भी हमें इनको थोड़ी देर पकाना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा और टाइम दिया है। और अब हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमें आलूओं को फुल डन करना है, ये पूरा फुल डन नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आलू डाल करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ढक करके हम 5-7 मिनट पकाएंगे, ठीक है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, बीच में मैंने इनको एक बार टर्न कर दिया था और मैंने चेक कर लेती हूँ कि क्या आलू गल गए। ये देखिए नाइफ़ पूरा इजीली अंदर जा रहा है, आलू पूरी तरीके से डन है, ओवर कुक मत करिएगा अदरवाइज़ ये टूटना शुरू हो जाएंगे, फिर पूरी ग्रेवी आपकी ख़राब हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर डाल देना है ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हमने यहाँ पर नहीं डाला था अभी तक मसाले, तो वो एंड में आपको डालना है। मिक्स कर देते हैं सारी ग्रेवी में, संभाल करके थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा यहाँ पर। और अब जो हमारे पास में ये फिलिंग्स बच गई थी ना पनीर और हरी मटर वाली, ये आपको हर तरफ साइडों में डालना है क्योंकि आलू आपको निकालना नहीं है, इसी में ही कोशिश करिए कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए जी अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और कल का हमारा जो वड़ा पाव था दोस्तों, उसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही थोड़ा मैंने अच्छा बनाया है, अलग तरीका से मतलब बनाया है, कुछ उसमें डिफरेंट किया है। और ये जो हमारी पनीर थी ना, ये हमने गार्निशिंग के लिए डाल दिया था, मैंने प्लेट में निकालते वक्त कैमरा ऑफ था इसलिए नहीं दिखा पाया। यहाँ पर आप देखिए फाइनल लुक कैसा लग रहा है हमारा ये डिश, आपको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।